कॉन्निचिवा, शोकुग्यो ओमानाबुजिकान। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे जापानीज में प्रोफेशंस बोलना। प्रोफेशंस को जापानीज में बोलते हैं शोकुग्यो, शोकुग्यो ओमानाबुजिकान, यानी कि टाइम टू लर्न प्रोफेशंस। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे जापानीज में लोगों से रिलेटेड वर्ड्स और प्रोफेशन से रिलेटेड नए वर्ड्स। इस वीडियो के अंत तक आप जापानीज में अपना प्रोफेशन बता पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों आज के सबसे पहले वर्ड्स हैं हितो, हितो यानी कि पर्सन, हितो। अगला वर्ड है वाताशी, वाताशी यानी कि आए, मैं। अगला वर्ड है ईशा, ईशा, ईशा यानी कि डॉक्टर। इसी प्रकार अगला वर्ड है बेंगोशी, बेंगोशी, बेंगोशी यानी कि लॉयर। अगला वर्ड है सेंसेई, सेंसेई, सेंसेई यानी कि टीचर, प्रोफेसर। इसी प्रकार गाकुसेई, गाकुसेई, गाकुसेई यानी कि स्टूडेंट। इंजीनियर, इंजीनियर, इंजीनियर यानी कि इंजीनियर, इंजीनियर। अगला वर्ड है बिजनेसमैन, बिजनेसमैन। ध्यान दीजिएगा, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का मतलब है बिजनेसमैन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जापानीज में हम MAN को मान पढ़ते हैं, मैन नहीं, तो इसको हम बोलेंगे बिजनेसमैन, बिजनेसमैन यानी कि बिजनेसमैन। दोस्तों अगला वर्ड है कोमुइन, कोमुइन, कोमुइन यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो कि सरकार के लिए काम करता है, सरकारी कर्मचारी, कोमुइन। इसी प्रकार अगला वर्ड है शुफू, शुफू, शुफू यानी कि होममेकर। दोस्तों अब टाइम है प्रैक्टिस का। रेंशू सुरुजिकान। दोस्तों आपको दिए गए सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। सबसे पहला सेंटेंस है वाताशी वा गाकुसेई देस, या फिर सिर्फ गाकुसेई देस। तो दोस्तों जैसा कि हमने बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में सीखा था, सबसे पहले डैश में है वाताशी, वाताशी यानी कि मैं खुद, आई, गाकुसे यानी कि स्टूडेंट। तो मैं स्टूडेंट हूं, वाताशी वा गाकुसेई देस, मैं स्टूडेंट हूं, आई एम अ स्टूडेंट। अगला वर्ड है केनसान वा सेंसेई देस, केनसान यानी कि केन, हम रिस्पेक्ट के लिए सान लगाते हैं नाम के बाद, सेंसेई यानी कि टीचर, तो केन टीचर है, केनसान वा सेंसेई देस, केन इज अ टीचर। दोस्तों अगला सेंटेंस है शिजुका सान व यासाशी गाकुसेई देस, शिजुका सान यानी कि शिजुका, यासाशी गाकुसेई देस, यासाशी यानी कि नाइस, काइंड, गाकुसेई यानी कि स्टूडेंट। यहाँ पे नाइस गाकुसेई यानी कि नाइस स्टूडेंट, तो शिजुका एक अच्छी स्टूडेंट है, शिजुका इज अ नाइस स्टूडेंट, शिजुका सान व यासाशी गाकुसेई देस। अगला सेंटेंस है देकिसुगी सान व काशिकोई हितो देस, देकिसुगी सान यानी कि देकिसुगी, काशिकोई यानी कि इंटेलिजेंट, हितो यानी कि पर्सन, देकिसुगी इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको ये सेंटेंसेस समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरे पहले वीडियोस देख सकते हैं, उनसे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है कोनो हितो व ईशा देस। दोस्तों यहाँ पे पहले डैश में आप ध्यान दीजिएगा तो आप पाएंगे कि यहाँ पे है कोनो हितो, हितो यानी कि पर्सन, कोनो यानी कि दिस, दिस पर्सन, तो दिस पर्सन इज अ डॉक्टर, ईशा यानी कि डॉक्टर, तो ये पर्सन, ये आदमी डॉक्टर है, दिस पर्सन इज अ डॉक्टर। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, कोनो यानी कि दिस, हितो यानी कि पर्सन और ईशा यानी कि डॉक्टर, तो कोनो हितो व ईशा दिस, दिस पर्सन इज अ डॉक्टर। आगे बढ़ते हैं मारिया सान व सेंसेई तो ईशा दिस, मारिया सान यानी कि मारिया नाम है, सेंसेई यानी कि टीचर, ईशा यानी कि डॉक्टर, और दोनों को तो जोड़ रहा है यानी कि एंड, तो सेंसेई तो ईशा यानी कि टीचर एंड अ डॉक्टर, तो मारिया इज अ टीचर एंड अ डॉक्टर, मारिया एक टीचर है और डॉक्टर है। अगला सेंटेंस है सोनो हितो व यासाशी देवा आरिमसेन। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे हमने कोनो देखा था, कोनो का मतलब है दिस, इसी तरह सोनो का मतलब है दैट, तो यहाँ पे कोनो हितो यानी कि दिस पर्सन, यहाँ पे सोनो हितो यानी कि दैट पर्सन, दैट पर्सन व यासाशी देवा आरिमसेन, यासाशी यानी कि नाइस, देवा आरिमसेन मतलब नहीं है, तो दैट पर्सन इज नॉट नाइस। दोस्तों अगला सेंटेंस है ताकेशी सेंसेई व काकुई देस, ताकेशी सेंसेई व काकुई देस। ताकेशी सेंसेई यानी कि टीचर ताकेशी, प्रोफेसर ताकेशी या टीचर ताकेशी, आप कुछ भी कह सकते हैं। सेंसेई यानी कि टीचर, काकुई यानी कि कूल, हमने पिछले वीडियोस में देखा है काकुई का मतलब कूल। तो इस सेंटेंस का मतलब होगा टीचर ताकेशी या फिर प्रोफेसर ताकेशी इज कूल, टीचर ताकेशी कूल हैं। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अरिगातो गोजाइमास।